एयरटेल में बड़ा हिस्सा खरीद सकता है अमेजॉन इंडिया, 1500 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। रिपोर्ट की माने तो देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल में अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अभी डील को लेकर शुरुआती बातचीत जारी है। यह डील 200 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। अब अगर यह डील होती है तो अमेजन मौजूदा भाव पर करीब 5% हिस्सेदारी खरीद सकता है। माना जा रहा है कि डील की वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इस समय एयरटेल के पास करीब 30 करोड़ ग्राहक हैं। देश में सबसे ज़्यादा ग्राहक रिलायंस जियो के पास में हैं। रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि भारतीय एयरटेल और अमेजन के बीच बातचीत प्रारंभिक चरण में है और डील की शर्तें बदल सकती है। हालांकि डील को लेकर अमेजन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेजन आखिर क्यों कर रहा है एयरटेल में निवेश? तो अमेजन के लिए भारत एक प्रमुख बाजार है, इसलिए वो अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेजन की भारत में 650 करोड़ डॉलर के निवेश की योजना है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेजन फ्लिपकार्ट को खरीदने की भी कोशिश कर चुका है। इस डील से एयरटेल को भी फायदा ही फायदा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये डील होता है तो एयरटेल के लिए ये काफ़ी राहत भरा कदम होगा, क्योंकि एयरटेल इस रकम से भारत में अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, विस्तार कर सकता है। इसके साथ ही साथ अमेजन के लिए भी भारत में निवेश बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अमेजन भारतीय बाजार में निवेश कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मार्केटिंग, प्रमोशन में भी निवेश कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ये कंपनी भारतीय ई कॉमर्स बाज़ार में अपनी स्थिति को सबसे ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। आंकड़ों के मुताबिक अभी ई कॉमर्स की भारतीय रिटेल बाज़ार में 5% हिस्सेदारी है, लेकिन आने वाले सालों में इसके काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। अमेजन सेलर सर्विस जो कि अमेजन का ऑनलाइन बाज़ार देखती है, उसका घाटा 18-19 में पहले के मुकाबले कम होकर 5,685 करोड़ रुपए रहा, जबकि पेमेंट कारोबार देखने वाली अमेजन पे इंडिया का भी घाटा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। 2018 में 334 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 1,160 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत में अमेजन पे को पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। अमेजन रिटेल इंडिया को 2019 में 139 करोड़ रुपये का रेवेन्यू घाटा हुआ था। तो अगर ये डील होता है तो दोनों ही कंपनियों को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, एयरटेल हो या फिर अमेजन हो। और हम सबकी निगाहें एयरटेल पे टिकी हुई रहेगी कल के बाज़ार में, और ये न्यूज़ का असर आपको कल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप पकड़ बनाए हुए रहिए और वॉच लिस्ट में इसे ज़रूर डालिए। इससे पहले फेसबुक ने भी 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया था जियो में।